तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई बॉयलर ड्रम मैन होल्स आर यूजुअली इन इलेप्टिकल शेप। यानी कि बॉयलर ड्रम का जो मैन होल होता है उसका जो शेप है वो मेनली इलेप्टिकल ही क्यों होता है, यानी कि इलेप्टिकल शेप क्यों होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि बॉयलर ड्रम का जो मैन होल्स है उसका शेप इलेप्टिकल ही क्यों रखा जाता है। तो देखिए, इसका जो शेप है वो डायरेक्टली हमारा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो शेप है वो इलेप्टिकल शेप में होता है। जैसे कि हमारा ये जो कंधा है, देखिए ये इतना चौड़ा है, लेकिन अगर हम लोग पीछे से ये दोनों पार्ट को देखें तो ये क्या है, हमारा पतला है। यानी कि ये पार्ट हमारा चौड़ा है और ये पार्ट हमारा क्या है, वो थोड़ा सा उसका थिकनेस कम है। तो ये इस तरह से अगर देखा जाए, अगर हम लोग इसको राउंड करेंगे, चारों तरफ राउंड करेंगे, तो हमारा जो शेप होता है, बॉडी का शेप, वो एक इलेप्टिकल शेप होता है। तो हम लोग को अगर बॉयलर ड्रम के अंदर अगर एंटर करना है किसी भी मतलब काम के लिए, जैसे कि क्लीनिंग या कोई भी पर्पस के लिए अगर आपको एंटर करना है, तो हमारा जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा जो बॉडी है वो इलेप्टिकल है। तो अगर हम लोग इलेप्टिकल शेप बनाएंगे तो हम लोग उसमें बहुत ही आसानी से एंटर कर सकते हैं। तो जनरली देखा जाता है कि जो हमारा बॉयलर ड्रम है, देखिए मैंने यहाँ पे एक बॉयलर ड्रम बनाया है, ठीक है, और इसका ही मैंने साइड व्यू लिया है, तो ये गोल दिख रहा है और ये हमारा क्या दिख रहा है, जो मैन होल डोर है वो दिख रहा है। तो इसका जो शेप होता है कुछ इस टाइप का होता है, जिसका अगर साइज की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये 12 इंच का होता है, जनरली 12 इंच का होता है, और यहां से यहां तक इसका अगर लेंथ की बात करें तो ये हमारा 16 इंच का होता है। यानी कि 12 इंच इंटू 16 इंच इसका हमारा साइज होता है, यानी कि मैन होल डोर का साइज होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा लेंथ है वो 16 इंच क्यों रखा जाता है, तो ये हमारा बॉडी के शेप, यानी कि जो हमारा कंधा जो है ना, इतना चौड़ाई, अगर हम लोग 16 इंच रखेंगे तो किसी भी तरह का जो मैन है वो इजिली इस ड्रम के अंदर एंटर कर सकता है, यानी इस मैन होल के अंदर। देखिए, इसके नाम से मैन होल, यानी कि ऐसा होल जिसके अंदर मैन एंटर कर जाए। तो इस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है, तो अगर हम लोग 16 इंच अगर चौड़ाई रखें तो इसमें हम लोग आसानी से एंटर कर सकते हैं। तो अगर हमारा ये 16 इंच है तो ये जो पार्ट है, अगर हम लोग 12 इंच रखेंगे तो हम लोग बहुत ही आसानी से एंटर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपको इस ड्रम के अंदर अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर शेप बनाने के लिए, यानी कि सर्कुलर शेप बनाने के लिए, तो मान लीजिए कि अभी आपका ये जो इलेप्टिकल शेप है वो कितना है, यहाँ पे आपका कितना लग रहा है, तो 12 इंच लग रहा है, ठीक है, और इधर कितना लग रहा है, 16 इंच लग रहा है। तो आपको 16 इंच तो नेसेसरी है। तो अगर आप ये सर्किल एक बनाते हैं, सर्कुलर शेप कट करते हैं, तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा, 16 इंच हो जाएगा, और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, 16 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कम मटेरियल का यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज्यादा मटेरियल, क्योंकि अगर इसका एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 16, और इसका क्या हो जाएगा, 16 इंटू 16। तो इस तरह से देखा जाए तो ये इसमें क्या है, मटेरियल बहुत ज्यादा ड्रम से काटना पड़ रहा है, जबकि इसमें मटेरियल कम काटना पड़ रहा है, ठीक है। तो जितना हम लोग का जो प्रेशर वेसल होता है उसमें कम से कम हम लोग को कट देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसके इनसाइड में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है, यानी कि जो हमारा स्टीम और वाटर जो होता है वो क्या है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कमफ्रेंशियल दो, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस डेवलप होता है जनरली, एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल यानी कि एक्सिस के अलोंग, और दूसरा हमारा क्या होता है, सर्कमफ्रेंशियल, है ना, मतलब कि इसके सर्कमफ्रेंस के चारों तरफ क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो दो चीज ये भी हम लोग ध्यान देते हैं कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है, और जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो डेवलप होता है, और हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 2 टाइम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बराबर होता है। यानी कि हमारा जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो है वो ज्यादा डेवलप होता है इसके अंदर, और हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो इसके जस्ट आधा डेवलप होता है। तो हम लोग का जो मैन होल डोर है वो उसको हम लोग ऐसा बनाते हैं कि एक हमारा क्या होता है, माइनर एक्सिस हो जाएगा,
है ना, और एक होता है हमारा मेजर एक्सिस। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक हमारा माइनर एक्सिस हो गया, दूसरा हमारा मेजर एक्सिस हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल हमारा माइनर पे हम लोग ज़ूम कर लेते हैं, और जो हमारा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस जो है इसके अकॉर्डिंग हमारा माइनर एक्सिस पे अप्लाइड होता है। तो इस तरह से एक ये भी है कि हमारा ये जो दोनों स्ट्रेस है इसको बैलेंस करने के लिए भी हम लोग एक माइनर एक्सिस दे देते हैं और एक मेजर एक्सिस दे देते हैं। तो माइनर एक्सिस पे अगर हम लोग माइनर एक्सिस कम है तो वहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस है वो कम डेवलप होगा, मेजर एक्सिस ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा डेवलप होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल पे हमारा मेजर अज्यूम कर लेते हैं और जो माइनर है उस पे सर्कमफेरेंशियल। इस तरह से यहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है। तो दूसरा चीज, अगर आप ये साइज वाला यहाँ पे मतलब मैन होल डोर लगा रहे हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, इस पर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। अगर आप ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो देखिए ये जो हमारा प्रेशर है ना, इसको भी देख करके हम लोग इस डोर का जो ओपनिंग है करते हैं कि हमारा जितना कम से कम यहाँ पे ओपनिंग होगा उतना यहाँ पे कम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आप कहीं भी अगर होल या कैविटी कर देते हैं तो वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर आप कम ओपनिंग रखेंगे तो कम यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा स्ट्रेस का तो वो जल्दी फेलियर होगा, अगर कम कंसंट्रेशन होगा तो कम मतलब बहुत ही डिले में फेलियर होगा, मतलब लेट फेलियर होगा। तो इस तरह से हमारा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो देखिए, जब हम लोग ये वाला मैन होल डोर रखेंगे, इलेप्टिकल रखेंगे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हमारा एक गैस्केट या कंपनसेटिंग रिंग का जरूरत पड़ता है, जो भी हमारा स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप हुआ उसको मतलब मिनिमाइज करने के लिए कंपनसेटिंग रिंग का जरूरत पड़ता है। तो इस तरह से अगर हमारा ये साइज छोटा होगा तो कंपनसेटिंग रिंग भी हमारा छोटा होगा, और ये बड़ा रहेगा तो हमारा ज्यादा सरफेस एरिया भी लेगा और ज्यादा हमारा कंपनसेटिंग रिंग का भी जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा ये वाला जो है इलेप्टिकल सेप वो बेस्ट है, क्योंकि हमको एंटर करना है और एंटर करने के लिए हमारा इलेप्टिकल सेप बेस्ट है। अगर हम लोग को सेम साइज का अगर हमारा 16 इंच का देखेंगे तो अगर हम लोग सर्कुलर लेंगे तो हमारा एरिया भी ज्यादा लग रहा है, इसके स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी ज्यादा लग रहा है। और दूसरा कि हमारा यहाँ पे अगर ये देख रहे हैं मेजर और माइनर एक्सिस, इसमें हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस यहाँ पे अब डबल हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कम होगा तो यहाँ पे सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की वजह से जल्दी फेलियर होगा, लेकिन इस टाइप में हमारा जो फेलियर होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो ये सब पॉइंट देख करके ही ये जो मैन होल डोर है उसको इलेप्टिकल बनाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारा इलेप्टिकल होता है। मेन फर्स्ट इसका प्रायोरिटी है हमको एंटर करना, तो जितना कम से कम इसके अंदर होल बना करके हम लोग एंटर कर जाएं तो ये हमारा शेप जो है वो एकदम ऑथेंटिक है। और अगर कम होल करेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा वो भी कम होगा, अगर ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा होगा। तो ये हुआ ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।